ये आदमी ने हम लोग को इडली खाने के लिए बुलाया वहाँ से, बेस्टी गार्डन से हम लोग ईदगाह से आ रहे थे, लेकिन ये आदमी आज पलट रहा है। मेरा दोस्त बैठेला इधर, अभी यहाँ पे भाई से भी ईद मुबारक करेंगे। एक महीना हो गया कि हम लोग ने डोसे की शक्ल नहीं देखे, इडली की शक्ल नहीं देखे, भी फोन करके बुलाते नहीं, सलाम दुआ नहीं। कंकान का चांद दिख गया है, लोग निकल चुके हैं सड़कों पे तैयारी करने, खरीदारी करने। आप सभी को चांद मुबारक, और कल करेंगे ईद मुबारक यानी कि सुबह। अभी फिलहाल तो काफ़ी गर्दी है, मार्केट अभी शुरू हो रही है, अफ्तारी के बाद जस्ट टाइम हुआ है। 400 रुपये में कुर्ता बिक रहा है। अभी जा रहा हूँ दोस्तों के पास, मिलता हूँ, चांद मुबारक करता हूँ, चाय पीता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वाह कसम ए भाई, ईदी बट रही है मुल्ला जी, सबको ईदी बट रही है। जानू एंटी ये मैं पूछ पाई नहीं, नहीं हां ईदी बट रही है की तरफ से, सब को ईदी मिली है। क्या भाई इतना पैसे ने भाई, सबको आने को बुलाए तो वैसा है भाई, इतने पैसे आ गए क्या? इससे पहले ईदी ईद की नमाज पढ़े भी नहीं। आप सभी को रमज़ान की ईद बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। नमाज हो गई ईदगाह में, और आप लोग सोच रहे होंगे कि चांद रात से डायरेक्ट मैं यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि चांद रात बहुत भीड़ थी, बहुत गर्दी थी, इसी वजह से चांद रात को कुछ कर नहीं पाया। तो आज ईद है, तो आज का आधा दिन मैं ब्लॉग करूँगा अपने दोस्तों के साथ, और ईद मुबारकबाद भी दूँगा और ईद मुबारकबाद भी लूँगा। देखते हैं कौन ईदी देता है कौन नहीं। और हमारे साथ हमारे समुंदर भाई, हमारे महफूज भाई, हमारे मुल्ला जी उधर आगे चल रहे हैं, और ये उनके बच्चे लोग हैं नन्हे मुन्ने साथ में जो चल रहे हैं, और सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर और अपने मोहल्ले की ओर। काफ़ी गर्दी है, बहुत भीड़ थी ईदगाह में, और अभी जा रहे हैं सब लोग, ये मुबारकबाद देंगे एक दूसरे को। हम भी जा रहे हैं घर पे, पहले मोहल्ले में जाएंगे, बाद में घर पे जाएंगे, सबको ईद मुबारकबाद देंगे। खुर्शीद भाई हमें मिल गए हैं, अभी हमारे खुर्शीद भाई से हम ईद मुबारकबाद कर रहे हैं। मैंने मुल्ला जी का नंबर आया, तय दिल से ईद मुबारक। हाँ, हमारे शाहरुख भाई ईद मुबारक। यह हमारा सफर आदमी भाई, हाय क्या बात, जो बोलते कम है छोड़ते ज्यादा है, लंबी लंबी। चलो अभी आगे देखते, कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठेंगे अपनी ठेक पे। ठीक है, गंदा फिर बना दे। सलीम भाई आ चुके हैं हमारे, हाँ चलो फिर ईद मुबारक करो। खुर्शीद भाई के पास सलीम भाई का नंबर आ गया है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, भी बोलता है दोबारा के पापा। अरे तुम चुप बैठो, क्या चुप बैठो, नहीं बुलाया रास्ता कराने दे। तुम लोग एक नहीं 1000 रुपया जाओगे। अरे तो लेकिन हारा नहीं, तुम करो करोड़ो, तुम करोड़ो तो भाई खर खर बोलता है। अभी देखो बोलेगा, बोलो कुछ में, अरे बोलो बोल। ये आदमी ने हम लोग को इडली खाने के लिए बुलाया वहाँ से, बेस्टी गार्डन से हम लोग ईदगाह से आ रहे थे, लेकिन ये आदमी आज पलट रहा है। तुम शरीम भाई सर के ऊपर हाथ रहे, कदम खा लो, बाकी तुमने बुलाया नहीं सर, हाथ रखो खजाना पे, हाथ रखो कदम खा दो खजाना पे, भाई बुलाए ले खजाना पे, बुलाएंगे खजाने पे नहीं, वो बुलाने वाली चीज खाना तो तभी तो बुलाए ना, हाथ रखो, हाथ रखो, बोल दे तू, बोल तनी साले, खजाना पे बुलाए तली भाई की कदम खाता हूँ, ठीक ठीक खिलाए, हाँ देखो चुपके हो, खाने के लिए बुलाए ले, रखते चिल्लाते हो, वो रमजान गया, इन लोग इतना छोड़ बोल रहे हो। नियत किया था भाई ने कि खिलाऊंगा, लेकिन वो खिला रहा नहीं है, खजाना पे हम लोग को बुलाया, हम लोग खाने पीने पे पहुंच जाते, हम लोग बने बहुत घर, हम लोग जा रहे थे अपने घर पे अपने बीवी बच्चे से मिलते, ईद मुबारक करते, भाई ने इधर बुला लिया हम लोग को, बाओ इधर पे बैठो, खजाना क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं सोचा
लेकिन भाई बहुत मतलब यही होता है कुछ को जान क्या होगा जब आ रहा है। सही बात है, वो भी आज के दिन ईद त्यौहार में कोई नहीं खिलाता है, बताओ किसको ना, कभी दुश्मनी तो जीत नहीं सकते, दोस्ती हो दुश्मन हारने वाला ला रहे हो तो हाँ बोलो नहीं तो जाने दो, मैं ऐसा कभी नहीं हारने वाला। बताओ 90 वोट से किला बकार आ गया, सोचा इन लोग से मिलूंगा, ईद मुबारक करूंगा मेरे दोस्तों से, लगता मदीना मस्जिद जाना पड़ेगा, चलो वहाँ जाके देखते। मेरा दोस्त बैठेला इधर, अभी यहाँ पे भाई से भी ईद मुबारक करेंगे। हाँ भाई भाई सब कैरियर एकदम भगवान ने एकदम सुन में एकदम मोहब्बत खाते पीते घर का आदमी है भाई, ये भी खाते घर का बिना खाते बचाते हुए घर के हम सुनो हाँ लेना मतलब चार बार एंड ब्रो ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा मतलब पूरा बनवा रहा है क्या पूरा कैमरा के साथ शूटिंग के साथ बना रहा है भाई? हाँ भाई ईद स्पेशल, ईद स्पेशल। अच्छा नहीं 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 तो अभी जा रहे हैं मिस्टर साहिल के साथ हम लोग डोसा इडली खाने। ये एक महीना हो गया कि हम लोग ने डोसे की शक्ल नहीं देखी, इडली की शक्ल नहीं देखे, मतलब तड़प इतनी है कि भूख भी बहुत लग रही है और तड़प है कि एक महीने बाद हम लोग खाने जा रहे हैं। बहुत महीनों बाद आने जा रहे, कुछ बात करेंगे मिनट बाद। दोपहर के एक हो रहे हैं और यहाँ पे बैठे बैठे कंटाल आ रहा है क्योंकि ये सभी दोस्त रहे नहीं यहाँ पे। रोजे में इतना रोजा नहीं लगा यार, आज रोजे में ये लग रहा है इतनी गर्मी है, हवा भी नहीं आ रही और इधर परेशानी हो रही कि दोस्त यार नहीं है। और ईद के टाइम पे ऐसा रहता था कि यहाँ पे हम लोग बहुत लोगों की बैठक होती, दोस्त लोग की मीटिंग चलती थी, बैठक होती थी, कल कहाँ जाना है, शाम को कहाँ जाना है, ऐसा होता था। लेकिन अभी तो शादी ब्याह हो गई, सबके बच्चे वाले हो गए तो सब बिजी हो जाते हैं आजकल। ऐसा सी भी कोई सो रहा रहेगा पूरी नाइट जाग के, पता नहीं कोई क्या कर रहा है। मेरे को भी अभी नींद आने लगी है क्योंकि 3 घंटा सोया हूँ मैं भी, सो जाओ और सीधा शाम को उठो, देखो अभी क्या होता है। जैसे क्योंकि घर पे भी जाना है, बच्चे लोग को ईदी भी देना है, भी जाते देखते फिर घर पे निकलता हूँ। ईद पर मैंडी बोर्ड पर बहुत रौनक है, वो साइड बच्चों लोग का झूला लगा हो, आगे भी झूला लगा है, लेकिन ईद की रौनक 94 पे ही दिखती है अच्छी खासी। देखो पब्लिक मतलब इंजॉय कर रही है, मज़ा आ रहा है पब्लिकों को। मैं तो भाई घर पे गया, खाना खाया, रेस्ट किया, अभी 4:30 बज रहा है और अभी जा रहा हूँ अपनी बड़ी आपा के पास, बच्चों से मिलूंगा, ईदी भी दूंगा, सेवई भी खा लूँगा। ये देखो ये झूला लग गया, बचपन में हम भी झूला करते थे लेकिन अब वो दिन नहीं रहे, क्या करें। ये देखो उधर पे भी झूला लग, वक्त वक्त की बात है, अभी हमारे बच्चे झूला जीतेंगे। तो आ चुका हूँ मैं अपनी आपा और मेरी खाला के घर पर। क्या है ना, ईद है तो आना जरूरी रहता है, और ये है मेरा बड़ा भांजा जो मुंह पोछ रहा है। बताओ इतने बड़े बड़े हो गए, मेरे से भी हाइट लंबी हो गई ना। और हम लोग उधर के उधर ही बटले के बटने और सेवई खाने हैं। माशाल्लाह मैं कपड़ा देखा, देखो क्या कपड़ा है, लाखों करोड़ों रुपए का कपड़ा पहले ऐसा कपड़ा सूट कर रहा है, हजारों में तो है ना। अरे मतलब लाखों का भी पहले मैं बोल रहा हूँ। माशाल्लाह दाद भी बहुत अच्छे चमकते, मेरे पापा के बहुत अच्छी है, दिल से प्यार करती, इसके लिए हर ईद में आना पड़ता है, और बाकी कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए कहाँ जाए लोगों के पास, कभी फ़ोन करके बुलाते नहीं, सलाम दुआ नहीं, इसीलिए यहीं आते हैं, यहीं मिलते हैं और यहीं से फिर चले जाते हैं। चलो अभी आ गया है पानी, ठंडा पानी पियेंगे, फिर शिरकुरमा पियेंगे, फिर इन लोगों को ईदी देंगे और उसके बाद निकल लेंगे। आज का दिन बहुत बिजी था, बहुत भाग दौड़ थी, और अभी हो रहे हैं 10:30 और खाना खाने बैठा हूँ मैं।
खाने में चिकन का, ये बकरे का ही चिकन का सालन है? हाँ मैडम जी, बकरे का सालन है, चिकन का सालन है? चिकन, चिकन का सालन है ये, और वो बकरे का है, ये पुलाव बना रहे हैं, और ये पपैया, ये कचुम्बर, ये रोटी, और ये सलाद, और ये हमारी मैडम जी है जो बन ठन के तैयार हुई है आज एकदम फर्स्ट क्लास, और ये मेरा बेटा है, बेटा सोने का टुकड़ा। अब तो मेरे मन में नहीं है।